हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक काम की चीज़ लेकर आई हूँ, और वो है हमारी कैप। तो कैप, जब हम वुलन कैप पहनते हैं तो वो तो जाड़ों में पहनी जाती है, लेकिन हमको गर्मियों में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमको, या काम करते हैं तो सिर पर हमको एक कैप चाहिए होती है, जिसके लिए हम दुपट्टा बांध लेते हैं या कोई रुमाल बांध लेते हैं। तो उसकी जगह हम अपने लिए कैप बनाएंगे, जो सिर में ठंडक से भी बचाएगी, धूल मिट्टी से भी बचाएगी, और जब सिर दर्द होता है तो उसमें भी ये काम आ सकती है। क्योंकि हम जब सिर पर रुमाल बांधते हैं तो उससे अच्छा इस कैप को लगा लेंगे तो भी ये काम आएगी, टाइट करके बांध के पहनने के। और जब ऑयल लगा के रात में सोते हैं तो तकिए ख़राब होते हैं, उसमें भी ये काम आएगी कि आप इस तरह की कोई टी शर्ट वगैरह से बना लें तो वो जो तेल है आपके पिलो पर नहीं लगेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये कैप होती है। तो आज मैं यहाँ पर ये कॉटन कपड़े से बना रही हूँ, तो इसका मैंने यहाँ दो साइज़ लिया है, दो पीस लिया है। ये है 6x8 इंच का दो पीस, एक मैंने लाइनिंग का ले लिया है और एक प्रिंटेड ले लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे 6 इंच के एरिया से, इस तरह से, और हल्का सा इस तरह से निशान लगा देंगे राउंड शेप में। और ये जो राउंड शेप मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसका साइज़ मैंने यहाँ पर ले लिया है नीचे से करीब 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच डाउन जा करके, और इसको हमें यहाँ पर राउंड शेप लेना है। और इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे जिससे कि हम दूसरी तरफ इसको ट्रेस कर सकें, इस तरह से। अब इसको खोलेंगे, इसको ट्रेस कर लेंगे, इससे जो शेप है वो एकदम बराबर आएगा। अब इस पर हम मशीन चला लेंगे, सीधे पीस पर ही हमें मशीन चलानी है। ये जो राउंड शेप हमने यहाँ दिया था, इसको बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। इसको अब हम नीचे से भी बंद कर लेते हैं। इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे नीचे से 6 इंच के एरिया पर। एक 6 इंच के साइड पर हमने राउंड शेप दिया है और यहाँ पर सेंटर मार्क निकालना है। अब इसको हमें टोटल 4 इंच का रेडी करना है, तो बीच में हम इसमें प्लीट्स डालेंगे, सिलते जाएंगे और प्लीट्स डाल देंगे, इसको 4 इंच का रेडी कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमने इसको 4 इंच का रेडी कर लिया है। अब इस पर हम एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 9x36 इंच का पूरा एक लंबा पीस, सेम प्रिंट का, और आप इसको डबल प्रिंट में भी बना सकते हैं। और इसको इस तरह से हम पूरा फोल्ड कर देंगे, पूरे 36 इंच की जो पूरी लेंथ है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये 4.5 इंच आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम सेंटर मार्क निकालेंगे, ये सेंटर मार्क हमने निकाल लिया। इस सेंटर मार्क से हम 8 इंच डाउन जाएंगे, जो फोल्ड किया है वहाँ से 8 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसको मार्क करने के बाद इस 8 इंच से हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से लाएंगे, यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इसको यहाँ से इस 4.5 इंच से पूरा इस तरह से डाउन एक लाइन खींच लेंगे।
इस लाइन को खींचने के बाद इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो हमने 1 इंच लिया था तो इसको 1 इंच का मार्जिन दे करके एक निशान और लगाएंगे। अब इसको हम कट करेंगे यहाँ पर। जो 1 इंच डाउन, ये 8 इंच के बाद यहाँ जो 9 इंच पर हमने निशान लगाया, 1 इंच डाउन जा करके इसको यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब इसको वापस उल्टा करेंगे और इसको वापस इस तरह से जैसे जैसे कट किया था वैसे मिला देंगे। और ये जो कट का निशान है, ये जो पूरा बैंड होके आया है, यहाँ तक हम इसको सिल देंगे और यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे। सेम प्रोसीजर में इधर भी सिलेंगे। और ये जो हाफ इंच लिया था, ये जो पूरा 1 इंच कपड़ा हो गया हमारा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच हमने लिया था, यहाँ पर भी हमारी डबल मशीन चलेगी, सिलते हुए आएंगे और यहाँ पर भी डबल मशीन चला करके इसको लॉक कर देंगे। ये जो बीच का हिस्सा है इसको हमें नहीं सिलना है। अब इसको हम सीधा करेंगे, जो जितना सिला है इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद इसको हाथ से प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह से, और कॉटन कपड़ा ही लीजिएगा, सिंथेटिक ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पुराने टी शर्ट वगैरह से बना लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से छोड़ते हुए इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा अपने आप अंदर। अब यहाँ पर एक मशीन हम चला देंगे। अब इसको भी हमने यहाँ पर पैक कर दिया। अब ये जो सेंटर मार्क यहाँ पर हमने पहले निकाला था, और इसका सेंटर मार्क ऊपर जो राउंड शेप पर सेंटर मार्क आएगा उसको भी लेंगे, और इसको अब यहाँ पर इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले हाफ एंड हाफ इधर सिलेंगे और फिर हाफ एंड हाफ इधर सिलेंगे। सिलने के बाद अब ये हमारी कैप जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये जो यहाँ पर ये देखिए, जब हमने इसको यहाँ पर सिलाई की, यहाँ पर ये जो बैंड होके आया है जहाँ से हमने कट किया था और इतना पैक किया था, ये भी इसके साथ ये पीछे की तरफ बैक साइड में जाना चाहिए इस तरह से, तो ये पूरा आपके सिर पर जा कर के फिक्स हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ताम मशीन चलाएंगे। तो जहाँ पर ये सिलाई आई है, इधर हमने सिलाई नहीं की, इधर फोल्ड है, तो इसको हम बस यहाँ से डबल मशीन देते हुए यहाँ पर, यहाँ डबल मशीन देंगे, यहाँ पर डबल मशीन देंगे, यहाँ पर जहाँ पर जोड़ है, और इसको सफाई के साथ फोल्ड करते हुए इसको बाहर निकालेंगे, इसको इस साइड करेंगे, ताब मशीन चलाते हुए इसको यहाँ तक पूरा सिल देंगे। जिधर से फोल्ड है उधर हमारी मशीन नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पर भी हम मशीन चला देते हैं। और ये हमारी कैप फाइनल हो गई, अंदर से भी पूरी एकदम नीट एंड क्लीन इसकी सिलाई आ गई है और बाहर से भी। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये कैप आपके माथे पर आनी चाहिए। अगर आपके सर में दर्द है तो पीछे से नॉट टाइट कर सकते हैं। आपने तेल लगाया है तो रात में पहन के सो सकते हैं। डस्टिंग कर रहे हैं तो पहन सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो पहन सकते हैं, जिससे कि बाल ना गिरे। तो ये हर काम में यूज़ आने वाली है। बाहर रोज में काम कर रहे हैं, कोई हल्का पहनना है सर पे कुछ, तो इसको कैप की तरह यूज़ कर सकते हैं।
सफर में पहन सकते हैं कि बाल ना उड़े, बाइक पर, स्कूटी पर, जैसे भी आप जा रहे हो किसी भी तरह से यूज करिए इसको। आप कई सारे बना लीजिए इस तरह के कैप, आपके पूरे घर भर के लिए काम आएंगे। और पीछे से इसका जो है लुक इस तरह से आएगा, पीछे से इसमें बस सिंपल नॉट लगानी है और इस तरह से ये अच्छा दिखाई देगा। तो ये था आज का हमारा कैप, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएंगी। नमस्कार।